नमः शिवा। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 18वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मेरी आशा पाकर कामदेव अपने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर भगवान श्री शिव जी के स्थान पर पहुँचे। कामदेव की माया से सब चीज मोहित नहीं कर सका। उसके प्रत्येक रत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और वह दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर मेरे पास वापस लौट आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोकों को मोहित कर डाला, मगर भगवान श्री महादेव पर मैं अपना कोई प्रभाव न डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे तो यह डर है कि कहीं भगवान सदाशिव मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म ही न कर डालें। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगा। मेरे इस तीव्र श्वास से बहुत से बलिगण उत्पन्न होकर मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र वरण तथा विचित्र प्रकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वाद्यों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वालों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु, यह कौन है? मैंने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु, यह क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को तनिक संतोष हुआ। मैंने कहा, कामदेव, तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इन मार्गों के साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूं कि मेरी इस दुष्टता को देखकर भगवान सदाशिव कहीं मुझे भस्म ही न कर डालें। इतना कहकर कामदेव, रति, बसंत और माया गणों को साथ लेकर दोबारा भगवान श्री सदाशिव के स्थान पर गए और वहां जाकर उसने उसके साथियों से जो कुछ भी भगवान श्री सदाशिव को मोहित करने के लिए जो भी हो सकता था किया, परंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल न हो सका। लाख चेष्टा करने पर भी वह भगवान सदाशिव को मोहित न कर सका। इस पर निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास लौट आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी, आप भगवान श्री सदाशिव के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कीजिए, मैं उनको मोहित नहीं कर सका और शायद कर भी न सकूं। इतना कहकर वह मुझको प्रणाम करके वहां से चला गया। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत श्री महादेव जी को
मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूंगा अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनको इस प्रकार कहने लगा, भगवान आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्तवत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन देवे और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बर धारी भगवान श्री विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। मैंने उनका यथा योग्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपनी मुस्कुराहटे बखेरते हुए कहा, ब्राह्मण कहो, तुम्हें मुझसे कौन सा ऐसा काम बन पड़ा है जिसके लिए तुमने मुझे स्मरण किया है। इस पर मैंने भगवान श्री विष्णु को हुई बीती सब की सब सुना दी। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने यह कहा लगाया और कहने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया था और तुमने उसको कुदृष्टि से देखा था। तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा की थी, मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था तुमने इस पर भी विचार किया है क्या? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों के कर्ता होकर और वेद व्यक्त होकर ऐसी मोहमती वाले क्यों हो गए हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को सुना दिया है, यही कारण है कि तुम ब्रह्म रूप भगवान सदाशिव के साथ शत्रुता करना चाहते हो। समस्त देवता उनका पानी भरते हैं और उनके सेवक हैं, वह आदि मध्य और अंत से रहित हैं, वह भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं, वह भक्त वत्सल हैं और सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान श्री सदाशिव को स्त्री ग्रहण किए हुए देखना चाहते हो तो इसके लिए तुमको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती उमा का ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और फिर उनका भगवान सदाशिव से विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान श्री सदाशिव जी को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बर धारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए।